ग्वालियर में किसान की भारत बंद के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर का घेराव कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, मक्के का समर्थन मूल्य मिल रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य मिल रहा है और यहां हमने खरीदी की व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यदि 15 साल का एवरेज निकाले तो 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी खरीदी नहीं हुई, जबकि हमारे शासन में 80 लाख मीट्रिक टन पिछले साल पहले साल, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल ये खरीदी 85 से 90 लाख मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना है, उससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि हमने व्यवस्था इस प्रकार से की है कि जो 2048 सोसाइटियां थी, खरीदी केंद्र थे, उसको हमने सोसाइटी में तब्दील किया है और इस साल 257 और खरीदी केंद्र बढ़ाया है, तो कुल मिलाकर 2300 से अधिक धान खरीदी केंद्र हुआ है। बहुत नजदीक में खरीदी की व्यवस्था की गई है, पेमेंट की व्यवस्था तत्काल किया जा रहा है। बारदाने की बहुत संकट थी, उसके बाद बारदाने की व्यवस्था हमने की है, किसी किसान को बारदाने की कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, पेमेंट की भुगतान की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की जा सकती है तो वो व्यवस्था देश में क्यों नहीं की जा सकती, और समर्थन मूल्य में जब यहाँ खरीदा जा सकता है तो देश में क्यों खरीदा नहीं जा सकता। यही अन्नदाता है जो अर्थव्यवस्था संभाला हुआ है पूरे देश में, जहाँ दूसरे क्षेत्रों में डी ग्रोथ थे वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4% का ग्रोथ रहा है और यही एग्रीकल्चर सेक्टर है। जब हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना का पैसा दिया, लघु वनोपज खरीदी किया, तो पूरे देश में जहां मंदी का असर है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी का असर नहीं है, बल्कि यहां सितंबर माह में आप देखें 24% जीएसटी कलेक्शन किया, अक्टूबर महीने में 26% हमने कलेक्शन किया, जो देश का सर्वाधिक है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वही पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया जा सकता, और इससे किसानों का भला होगा, अर्थव्यवस्था का भला होने वाला है, देश का भला होने वाला है। तो ऐसे समय में किसानों को दबाने, उसे कुचलने के बाद अब बात करके केवल समय काटने का काम नहीं करना चाहिए। किसान तो सीधा एक लाइन के हाँ या ना में बात, ये तीन कांधे कानून आप खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और इसलिए किसान दिल्ली घेर के बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार होती तभी तक के जैसे अध्यादेश जारी करके इस काले कानून को लागू किया था और बाद में लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी गलत तरीके से पास किया था ये कानून। देश के किसान जब मांग कर रहे हैं, जब हम वो कानून पसंद ही नहीं किसान को तो फिर वो थोपा क्यों जा रहा है। तो पहले स्थिति ये थी, अंग्रेज हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहे थे, अब केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो पूंजीपति साथी हैं वो देश के किसानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के आपने ट्रेन को रेलवे स्टेशन बेचा, हवाई अड्डा बेचा, जितने पेट्रोलियम कंपनी है उसे बेच रहे हैं, जितने भी नवरत्न, चाहे वो नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय। अगली खबर, जहां किसान आंदोलन के